Hey guys, this is Sadia Zulekha and you're watching me on my official YouTube channel, that is Sadia Zulekha Official. So जैसे कि आपने thumbnail में already देख ही लिया है कि इस particular video में हम लोग discuss करेंगे some of the questions of close test. And ये जो close test है ये आपका SSC CGL 19 tier 2 mains का है. Okay, so without any delay, let's get started. कल मैंने एक passage discuss किया था इसी टॉपिक का, क्लोज टेस्ट का. सो आज मैं दूसरा पैसेज डिस्कस करूंगी. सो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पैसेज ये वाला है, दैट इज अंटार्कटिका. पैसेज में क्या लिखा हुआ है कि अंटार्कटिका इज परहैप्स परहैप्स द वन प्लेस ऑन अर्थ नो वन वुड हैव एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड के साथ टू आता है. सो इसीलिए बी ऑप्शन जो है टू फाइंड ये चूज किया गया. ओके, सो इसमें बोला क्या जा रहा है कि अंटार्कटिका वास्तव में एकमात्र प्लेस है अर्थ पर जिसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो फाइंड कर पाएगा कैनियंस को. ओके, देन तो इसमें क्या बोल रहा है कि एंड येट साइंटिस्ट वे आर सरप्राइज. और साइंटिस्ट भी सरप्राइज हो गए. क्या करने में सरप्राइज हो गए? टू डैश डीप क्रेवाइसेस दैट रन फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. और साइंटिस्ट भी सरप्राइज हो गए डैश करने में डीप क्रेवाइसेस को जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक दौड़ते हैं. तो साइंटिस्ट इन्वेंट तो नहीं करेंगे. इन्वेंट मीन्स डीप क्रेवाइसेस किसी क्रिएचर का नाम है जो दौड़ता है, रन करता है. तो उसको इन्वेंट तो नहीं किया जाएगा, एक्सप्लोर भी नहीं किया जाएगा. उसको उन्होंने सर्च भी नहीं किया, उसको उन्होंने डिस्कवर किया मीन्स खोज निकाला. इसलिए डिस्कवर, ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है यहाँ पर. देन ब्लैंक थर्ड में डैश दे आर नॉट विजिबल एट द स्नोई सर्फेस. तो बोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि हालांकि वो विजिबल नहीं होते, दिखाई नहीं देते स्नोई सर्फेस पे. तो हालांकि का इंग्लिश आपका ऑल्दो होता है. बिकॉज आपका नेक्स्ट ब्लैंक आपका हो जाएगा ये वाला ब्लैंक. क्या बोला जा रहा है कि ऑल्दो दे आर नॉट विजिबल एट द स्नोई सर्फेस डैश ट्रेंचेस कट डीप इनटू अंटार्कटिका. सो ट्रेंचेस है, सो एक ट्रेंच की तो बात नहीं की गई है. तो दिस होगा नहीं, दोज होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है इसलिए दोज नहीं होगा, देम भी नहीं होगा, दीज होगा, दीज ट्रेंचेस. फिफ्थ ब्लैंक में आपका क्या है, द बिगेस्ट डैश कैनियन इज ओवर 350 किलोमीटर लॉन्ग. सो उन्होंने जो कैनियन की खोज की, कैनियन जो उन्हें मिला वो थ्री जो सबसे बिगेस्ट कैनियन है उसका लेंथ आपका 350 किलोमीटर है. सो द बिगेस्ट क्या होगा कि उस तरह का कैनियन, द बिगेस्ट सच कैनियन होगा. ठीक है, द बिगेस्ट सो कैनियन नहीं होगा, द बिगेस्ट वन कैनियन नहीं होगा, द बिगेस्ट वन सिर्फ होता फिर कैनियन नहीं होता, द बिगेस्ट लाइक कैनियन ये भी नहीं होगा, द बिगेस्ट सच कैनियन मीन्स जितने भी सारे कैनियन है उसमें जो सबसे बिगेस्ट है वो 350 किलोमीटर उसका लेंथ है. नेक्स्ट ब्लैंक आपका, इट्स कॉल्ड फाउंडेशन ट्रॉ. सो जो बिगेस्ट कैनियन है जिसका लेंथ 350 किलोमीटर लॉन्ग है उसको बोला जाता है फाउंडेशन ट्रॉ. देन डैश कैनियंस आर नॉट एज लॉन्ग. सो ये सबसे बिगेस्ट कैनियन की बात हुई. यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाकी जो कैनियन है वो उतने लॉन्ग नहीं है. तो बाकी के लिए अदर आ जाएगा, अदर कैनियंस, अनदर दूसरे टाइप का कैनियन की बात होती है. तो अनदर नहीं है कैनियन से इसलिए अदर कैनियंस हो जाएगा. देन यहाँ पर अदर कैनियंस आर नॉट एज लॉन्ग बट दे आर डैश टू. सो बाकी जो कैनियंस होते हैं वो उतने लंबे नहीं होते लेकिन वो डैश होते हैं. तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट्री वर्ड आएगा. यहाँ पर मतलब वो लंबे नहीं है लेकिन उनका कुछ ऐसा क्वालिटी है जो अच्छा है, इम्प्रेसिव हो जाएगा कि अदर कैनियंस आर नॉट, बाकी जो कैनियंस है वो उतने लंबे नहीं है लेकिन वो इम्प्रेसिव भी है. देन नेक्स्ट ब्लैंक ये वाला, दीज कैनियंस वे आर फाउंड विद द हेल्प ऑफ रडार्स. ये जो कैनियंस जो खोजा गया, खोज की गई वो रडार्स के हेल्प से खोजा गया डैश स्कैनिंग. अब स्कैन करने के बाद, आफ्टर स्कैनिंग द वाइड एक्सपेंस ऑफ द फ्रोजन कॉन्टिनेंट. सो आफ्टर हो जाएगा, बिफोर स्कैनिंग नहीं, स्कैन करने के बाद ही ना. नाइन्थ ब्लैंक है. देन यहाँ पे क्या बोला है, डैश आर इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प कंट्रोल.
यहाँ पर एक कैनियन की बात नहीं हो रही है, इसलिए दिस होगा नहीं, देम होगा नहीं। डैट पास्ट टेंस में यूज होता है, पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस में पूरा पैसेज। सो दे होगा, दे यहाँ आर भी लगा है, तो इसीलिए जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल आएगा। सो दे आर इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प कंट्रोल, क्योंकि वो हेल्प करते हैं क्या चीज़ कंट्रोल करने में, हेल्प करते हैं डैश फ्लो ऑफ द आइस। सो द फ्लो ऑफ द आइस होगा, हाँ मतलब आइस का, आइस के फ्लो की बात की गई है ना, तो पार्टिकुलर फ्लो होगा। अब फ्लो तो बहुत तरह का होता है, लेकिन आइस का फ्लो कोई मतलब जारी है, इसलिए दा होगा। आ फ्लो ऑफ द आइस नहीं होगा, सच फ्लो भी नहीं होगा, वन फ्लो ऑफ द आइस भी नहीं होगा बिल्कुल, इसलिए दा सही होगा। ओके सो ये लास्ट क्वेश्चन था इस पैसेज का, आई होप कि ये पैसेज आपको समझ में आया हो। ओके देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।